हेलो दीक्षा, व्हाट्स अप? हाय सर। सो क्या पढ़ रहे हो? प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। वाओ, सो कैसी चल रही है तैयारी दीक्षा? ठीक है सर। ठीक है यार, यू आर स्टडिंग फ्रॉम द पास्ट 2 months एंड यू आर स्टडिंग 4-5 hours अ डे। आई होप यू वुड हैव डन अ लार्ज चंक ऑफ योर सिलेबस। मतलब हाँ सर, चल रहा है, कर रही हूँ। Is something wrong? I mean, you're not able to understand anything. MCQs वगैरह attempt कर रहे हो? Are you doing descriptive writing and all? हाँ मतलब कर रही हूँ, MCQ सही भी हो रहे हैं, सही। What is the problem? Why are you sounding low on confidence? Tell me, is there any problem you're not able to understand or you're not getting some help from faculty? What is the problem? नहीं ऐसा भी नहीं है। नहीं नहीं दीक्षा, there is definitely a problem. Now no. I can tell that there is some problem by just looking at your face. So you can't hide that. आप मुझे बताओ, इसको छोड़ो, आप मुझे बताओ क्या problem है, because till the time that problem is resolved, you will never be able to productive. बताओ क्या problem है, open up. I can help you out, maybe, then, no, you will be, I think, 100% more productive. So, मतलब मेरे को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी नहीं है और मेरे को यूपीएससी के कैंडिडेट्स के साथ। ओह माय गॉड, आई गॉट इट दीक्षा, आई गॉट इट। सो द पॉइंट इज दैट यू आर गेटिंग सम नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड एंड आई कैन गेस व्हाट आर दीज नेगेटिव थॉट्स आर, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन, एवरी एस्पिरेंट गेट्स दैट एंड दीज आर रियली मेस्ड अप इन योर माइंड राइट नाउ। सर यस सर, सो मतलब मुझे ऐसा लगता है व्हाट इफ आई फेल, मतलब कैसे? I can understand. So don't worry. I think let's discuss these doubts one by one and you will get a lot of clarity. Come with me, Diksha. So Diksha, जैसे कि आपने मुझे बताया आपके मन में बहुत रैंडम थॉट्स आ रहे हैं कि आप नॉन एग्री बैकग्राउंड से हैं, यूपीएससी बैकग्राउंड नहीं है, तो इन सारे थॉट्स को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लेट्स डिस्कस। थ्रो योर डाउट्स, शूट योर डाउट्स एट मी वन बाय वन, आई ट्राई टू रिजोल्व ऑल योर डाउट्स। और जितने भी डाउट्स मैं रिजोल्व करूंगा दीक्षा, दैट आर बेस्ड अपॉन डेटा सेट। डेटा सेट मीन्स दैट दीज डाउट्स आर बींग रिजोल्व बेस्ड अपॉन द एक्चुअल डेटा वी हैव ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन नबार्ड ग्रेडेड 2021 एग्जाम। तो हमारे पास 56 स्टूडेंट्स का डेटा है, उन्हीं के बेस पे मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। शूट योर फर्स्ट डाउट एट मी दीक्षा। सो पहला तो यही है कि मैं नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की हूँ, तो मतलब नबार्ड वाले मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे? वेल दैट्स अ वेरी कॉमन डाउट दीक्षा। नाउ सी दिस स्लाइड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नाउ दिस इज द डेटा ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जहां पे उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। इफ यू सी इंजीनियर्स, 33 इंजीनियर्स हैव गॉट सेलेक्टेड दीक्षा, 33 इंजीनियर्स हैव गॉट सेलेक्टेड नबार्ड ग्रेड ए। और एग्रीकल्चर वालों की बात करूं तो सिर्फ 5, और एमकॉम वाले भी गए हैं, आर्ट्स वाले भी गए हैं, एमए इन सोशियोलॉजी, एमए इन हिस्ट्री, दोज पीपल हैव ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड, देन एमबीए हैव ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड। सो आई मीन इट क्लियरली डिपेक्ट्स दैट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, यू नो बींग अ नॉन एग्री स्टूडेंट इज नॉट एट ऑल एन इम्पेडिमेंट टू योर सेलेक्शन। आई थिंक ये उसी रेशो में है जिस रेशो में लोग एग्जाम देते हैं। इंजीनियर्स हमारे इंडिया में भरे पड़े हैं, भर भर के एग्जाम दिए हैं और 33 इंजीनियर सेलेक्ट हुए। सो आई होप आपका ये डाउट अब रिजॉल्व हो गया होगा कम्प्लीटली, या कुछ बाकी है? एग्रीकल्चर का पढ़ाई का, हाँ देखिए पहले तो you should be clear ke your background is not impacting. Other than that, even if you think ke sir how will I cover agriculture, I'm not from agriculture background, see even people from agriculture background are not doing something extraordinary. Sirf 5 hi nikle hain. Aur aapko ye samajhna hoga diksha ke aapko phd nahi karni hai. Aapne 5 chapters padhe, aapne mujhe bataya, aapko samajh aaye, aapne mcqs kiye, samajh aaye, aapne descriptive writing pe ki, I think you have got good marks. Prakash sir was telling me. सो आप जितना कर रही है उतना काफी है, वो ही लेवल है जो एग्जाम में आएगा। सो नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट डू पीएचडी, आपको कोई मतलब ऐसा नहीं करना है, कोई रिसर्च वर्क करना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इट्स ऑल अबाउट रिटेनिंग डेटा आई थिंक इन एआरडी एंड अंडरस्टैंडिंग सम कॉमन नो थिंग्स लाइक क्रॉप रोटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड यू आर डन, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, नेक्स्ट डाउट बोलो जल्दी। पिछली बार एंड ऑन द अदर हैंड यू विल नॉट सी दैट 2+ year वाले भी बहुत ज्यादा निकल गए, दे आर ऑल्सो 18। सो इट क्लियरली डिपिक्स दैट नो प्रेफरेंस इज बींग गिवन टू पीपल हु हैव वर्क एक्स। सो आई थिंक दे आर गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी वन, और इट्स अ कोइंसिडेंस के सारे लोग निकले हैं।
और कोइंसिडेंस नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी फेयर डील के जीरो इयर्स वाले भी निकले हैं, वन ईयर वाले भी निकले हैं, वन टू टू ईयर वाले भी निकले हैं. और मैं तो अगर आप इफ़ यू टेक माई ओपिनियन टिल टू ईयर्स ऑफ वर्क एक्स आई डू नॉट काउंट इट एज अ वर्क एक्स, मतलब वो तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग में ही चला जाता है. दिस इज एक्चुअल वेयर यू स्टार्ट सेइंग दैट आई हैव अ वर्क एक्स. सो वो 18 है एंड विदाउट वर्क एक्स जीरो वर्क एक्स इज 19. सो नॉट अ प्रॉब्लम, व्हाई आर यू वरीड अबाउट दिस? तो सर ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस चलो ना आई अंडरस्टैंड कि नहीं है, पर मेरा तो गैप ईयर भी है, तो दो साल में कोई वर्क एक्सपीरियंस तो. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन क्वेरी. पता नहीं कहां से ये सारे नेगेटिव थॉट्स वी आर नाउ पुटिंग इनसाइड आवर हेड. वर्क एक्स रिजॉल्व हो गया तो गैप ईयर्स ये देख लो. 19 पीपल हैविंग 0 टू 2 इयर्स ऑफ गैप इन देयर नो between education and clearing NABARD, 19 people. And trust me guys, whenever you are preparing for any exam, gap years are bound to be there. Ek do saal ka to kuch matlab mana hi nahi jayega, because you are preparing for a job at that time, you are not sitting idle. Even the people who would be in the panel would have some gap years in their entire career. So don't worry about that. And even people who have lot of gap years, I want to say, 5+ years of gap years, even those people have got selected, 9 people have got selected in that area. So ye kyun negative thoughts la rahe hain aap? Again, even 2 to 5 years of gap years, 22 people have got selected. So there is no point thinking about these absurd things, Diksha. All this is being created by us, because by nature we tend to be pessimistic, we think about negative things. Iska koi bhi impact nahi hone wala hai aapki selection mein. And in fact you see here 56 students ka data liya humne, 50 had gap years, Diksha. So I hope this now quells all doubts in your mind with respect to gap years. Sare doubt clear ho gaye, abhi bhi baki hain sir, ek do aur hai. Kya hai? Aur gap year mein ek baat bataun Diksha, it's all about justifying. आपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की, जैसे आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, आपके 5 साल गैप ईयर्स है. इट्स ऑल अबाउट जस्टिफाइंग देयर इन एन इंटरव्यू. इंटरव्यू में ही गैप ईयर्स के बारे में पूछेंगे, दैट व्हाट यू लर्न इन दोज 5 ईयर्स, डिड यू गिव ऑल योर एफर्ट इन दोज 5 ईयर्स, दैट इज व्हाट मैटर्स. सक्सेस या फेलियर आपका वहां ये नहीं डिटर्मिन करेगा कि आपको कितने नंबर दिए जाएंगे. ऑब्वियसली यू आर गिविंग इंटरव्यू फॉर नबार्ड ग्रेड, दे आर ऑल जॉबलेस एट दैट पॉइंट इन टाइम, और मे बी दे हैव अ जॉब बट इट इज नॉट अप टू देयर पोटेंशियल. सो इट डज नॉट मैटर इफ यू हैव स्पेंड टाइम ऑन दैट, यू कैन जस्टिफाई दैट, इट्स मोर देन एनफ. ठीक है, और क्या डाउट है? सो वो आपने बोला ना कि गैप ईयर में यूपीएससी प्रिपरेशन, सर मैंने गलती कर दी शायद यूपीएससी प्रिपरेशन बोल के. अब आपको ये डाउट आ रहा होगा, सर हाउ विल आई कम्पीट विद कैंडिडेट्स यू हैव अ यूपीएससी एक्सपीरियंस, राइट, प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. अरे यार पहले मेरी बात समझो, इफ समबडी हैज प्रिपेयर्ड फॉर अ यूपीएससी, डज दैट पर्सन हैज गॉट अ टैग ऑन देयर हेड दैट दे विल बी सिलेक्टेड इन NABARD? नो. Only 36% people had UPSC background who got selected in NABARD. I'm sure that, no, when I'm saying this, I do not have any intention to say that this is less. This is good. But trust me, this is like, you know, a big doubt that is coming in the mind of students that UPSC hai background, tabhi NABARD clear hoga, tabhi RBI clear hoga, aisa kuch nahi. See, definitely those people have prepared for essay writing or economics or descriptive writing. But at any point in time, obviously they have an edge at this point in time, because you are just starting. They have already prepared descriptive writing, they have already prepared economics. But the point is, are you ready to put effort? Are you ready to give in that time to descriptive writing? Aap bhi 6 mahine laga lo, 6 mahine ke baad comparison kar lena kaun acha hai. See, they had huge chunk of information to read, polity, geography, ye wo. You only had to concentrate on ESI and ARD, उसकी आंसर राइटिंग, उसके करंट अफेयर्स. सो आपका कोई सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है जो आप 5-6 महीने में कर उनसे कंपीट नहीं कर सकते हो. बाकी किया ना यार, 64% मैनेज टू कंपीट विद यूपीएससी एस्पिरेंट्स, दे डिफीटेड अदर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड गॉट देयर सीट रिजर्व. ऐसा तो नहीं है बस इतने ही यूपीएससी एस्पिरेंट थे और सारे सेलेक्ट हो गए. तो अगेन, दिस इज नॉट वर्थ अ डाउट एट ऑल. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कमिटमेंट, योर सिंसेरिटी, एंड यू कैन डिफीट एनीवन. यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, कोई भी आ जाए, यू कैन डिफीट देम. अभी और भी कुछ बाकी है सर? दो बस, थोड़े से रह गए. यही होगा मेरे हिसाब से, है ना? यस सर. सर क्योंकि इतने सारे रिपीटर्स बैठते हैं, दे हैव द एक्सपीरियंस कि पेपर कैसे देना है, हाउ टू हैंडल द प्रेशर, एंड आई एम जस्ट गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे मुंह उठा के, तो
Now this is something a very valid question. Can I clear this exam in the first attempt? The data is in front of you. First attempt 22, more than 134. अब यहाँ में कुछ लोगों ने तीन तीन चौथे चौथे अटेम्प्ट में भी क्लियर किया है. Does that mean that you require four attempts? No. See, idea is that you can clear or people clear in first or the second attempt, but those attempts have to be serious. अगर आपने चार अटेम्प्ट दे दिए, नॉन सीरियस हैं, बिना पढ़े गए थे, तो और फिफ्थ अटेम्प्ट में किया, तो फिफ्थ अटेम्प्ट वाज द सीरियस वन ना. तो ये चीज नोट करो. और 22 पीपल हैव क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज दे वर सीरियस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. दे गेव ऑल देयर एफर्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो ये अटेम्प्ट छोड़ो, बी सीरियस, ठीक है, बी 100% कमिटेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. नेवर एवर थिंक के इस बार इंटरव्यू दे आऊंगी, नहीं हुआ तो अगली बार दे दूंगी. दैट्स अ माइंडसेट यू शुड नॉट हैव. यू शुड हैव अ माइंडसेट, एन ऑफिसर माइंडसेट, कि करना है तो इसी बार करना है, अगली बार तो देना ही नहीं है, ठीक है. सो दीक्षा, अब तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट? या अभी भी कोई है? एक लास्ट बचा है, पर शायद सबसे मेजर भी वही है. अरे अभी एक और बचा है, बताओ. चलो सर, आई एम अराउंड 24 इयर्स ऑफ एज. तो मतलब नाबार्ड वाले क्या मुझे प्रेफर करेंगे या मोर मैच्योर जो 27-28 साल के होते हैं उनको प्रेफर करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है. आई हैव ऑलरेडी मेड इट क्लियर. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क एक्स होना कोई ना, वर्क एक्स ना होना कोई डिसएडवांटेज नहीं है. बीइंग अ फ्रेशर इज नॉट अ डिसएडवांटेज. तो एज का भी ऐसा कुछ है नहीं. इफ़ यू सी द डेटा, यू विल गेट अ थॉट इन योर माइंड के मे बी इन द 22-23 एज ब्रैकेट पीपल आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड मच, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम नंबर है. But I think the reason for that is not that they are not selecting, but people are not applying at all. वो कहते हैं ना कि अकल 24-25 के बाद ही आती है. When you get to know कि कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है और अब करना ही पड़ेगा, you get lot of responsibilities now coming on you in next 2-3 years. शादी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, फिर कैसे खर्चा चलेगा? You need a job, right? So people get more serious in this age bracket. ठीक है, तो 25, 26, 27, 28, 29 में आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों ने पेपर क्लियर किया है. एंड इफ मेचोरिटी वुड हैव बीन अ फैक्टर, देन इवन इन द एज ऑफ 30 लॉट ऑफ पीपल वुड हैव क्लियर, और 31, 32, 33. बट यस, आफ्टर 30 द एलिजिबिलिटी इज नॉट देयर फॉर जनरल कैटेगरी पीपल. तो लेकिन ओवरऑल इस डेटा से आई कांट कन्विंस यू दैट पीपल हु आर यंग आर बींग प्रेफर्ड स्टिल. बट आई थिंक वॉट आई कैन डिड्यूस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसिस के इन द लोअर एज ब्रैकेट्स दे आर नॉट मच पीपल अप्लाइंग, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है और पीपल आर नॉट दैट सीरियस एनफ. इवन इफ दे आर अप्लाइंग, दिस इज द एज ब्रैकेट वेयर दे गेट मोर सीरियस. जैसे अब आप 24 की हैं, राइट, आपने यहाँ पे भी कुछ किया होगा वेन यू आर अपेयरिंग फॉर सर्टन एग्जाम्स, बट यू माइट नॉट हैव बीन दैट सीरियस. तो अब ये सीरियसनेस शुरू होती है और कहीं 27-26 पे पीक पे पहुँचती है एंड पीपल क्लियर दिस एग्जाम. तो अभी समझ आ रहा है ना कि ये जो नेक्स्ट 2-3 इयर्स हैं कितने इंपॉर्टेंट है. वैसे मुझे पता है आप इसी साल निकाल लोगे, यू आर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. तो दीक्षा, अभी सारे डाउट्स क्लियर हो गए, अभी भी कुछ बाकी है? नहीं सर, सारे डाउट्स क्लियर हो गए. एंड आई रियली वांट टू थैंक यू, क्योंकि अब मेरे जो मिस्ड अप थॉट्स थे नाउ दे आर इन लाइन और अब मैं फाइनली पढ़ सकती हूँ विद प्रोडक्टिविटी. थैंक यू दीक्षा, आई थिंक दैट्स अ बिग रिलीफ टू मी, बिकॉज मैं आपसे जब अभी 15 मिनट पहले मिला था, मुझे लगा था यार ये लड़की अब नहीं कर पाएगी, बिकॉज योर माइंड वॉज सो मेस्ड अप. And thank God now it's clear. So guys, Diksha has cleared all her doubts. She is very clear now that irrespective of background, age, number of attempts, whatever it is, she is clear that all she needs to do is to be sincere, put her best foot forward, and she will give even the best of the candidates run for their money. So what about you now? Aapke dimag mein bhi agar koi doubt hai, but I hope क्लियर हो गया होगा. अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको भी अब कॉन्फिडेंस आ गया है, आपको लगता है कि सर यस, हमें भी बस यही दिक्कत आ रही थी, वी वर प्रिपेयरिंग बट वी वर गेटिंग दिस नेगेटिव थॉट्स इन आवर माइंड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर अब हमारे भी डाउट्स क्लियर हो गए हैं और हम भी नाउ ऑन द राइट ट्रैक टू क्लियर नबार्ड. सो आई रिपीट, यू हैव टू टाइप दैट सर आर डाउट्स आर ऑल्सो क्लियर एंड नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक to clear NABARD. Thank you guys. Have a nice day. Bye-bye.